प्रश्न है, हल करें। 10.25 गुणा 8.4/5 भागा 4.25, या 10 सही 2/5 गुणे 8 सही 4/5 भागा 4 सही 2/5। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो तरीका क्या है, ये हो जाएगा 5 × 10 = 50 और 2 = 52। 52/5 गुणा 5 × 8 = 40 और 4 = 44। 44/5 डिवाइडेड बाई भागा 5 को 20 और 2 = 22/5। अब ये डिवाइड वाला पार्ट है, ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 52/5 गुणा 44/5 में भाग दे रहे हैं किससे, 22/5 से, 22/5 से। तो बराबर ये हो जाएगा 52/5 गुणा भाग, जब दो भिन्नों का भाग होता है तो जो नीचे वाली भिन्न होती है इसका ऊपर वाली भिन्न के साथ गुणा हो जाता है, और जो हर था वो अंश बन जाता है और जो अंश था वो हर बन जाता है। तो ये हो जाएगा 44/5 गुणा 5/22। 5 से 5 कैंसिल, 22 से 44 टू टाइम कैंसिल। तो ये हो जाएगा 52/5 गुणा 2, 104/5 क्या जाएगा, 104/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है 20.91, इसमें भाग देना है 0.17 का। तो यहाँ पे देख लीजिए, 20.91 को भाग देना है 0.17 से। यहाँ पे दशमलव के दो स्थान हैं, दो स्थान हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20.91 और ये हो जाएगा 17.00। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2091/7। तो 17 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 17 × 17 = 3 और 17 × 2 = 34 और 7 × 3 = 51। अगला प्रश्न है, भिन्नों को जोड़ें, 2/9 = 4/3 = 6/18। तो यहाँ पे देखिए, तीनों भिन्नों के हर क्या हैं, असमान हैं। इसका हर 9 है, इसका हर 3 है, इसका हर 18 है। और जब भिन्नों के हर समान नहीं होते हैं तो उनका एलसीएम निकाला जाता है और फिर उन भिन्नों के हर समान करके उनको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे निकालिए 9, 3 और 18 का एलसीएम। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे, ये विधि मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझा चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ पे 9, 3 और 18 है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है जितने भी फैक्टर आएंगे वो सारे अभाज्य संख्याओं के रूप में आएंगे। तो 18 है, एक सम संख्या है, तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 का भाग 9 में नहीं जाता तो 9 को स्वयं लिख दीजिए, 3 में नहीं जाता तो वैसे लिख दीजिए, 18 में जाता है 9 बार। तो यहाँ पे भागफल लिखना होता केवल, और जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको सेम लिखना है। इसके बाद 2 का भाग इनमें किसी में नहीं जाता, 3 का जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। उसके बाद 3 में भी 3 का भाग जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3। तो इनके जो प्राइम फैक्टर निकले, अभाज्य संख्याएं निकली, वो निकली एलसीएम के रूप में 3 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो या 3 × 3 = 9 × 18, मीन्स 18 एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, 2/9 हमारी पहली भिन्न थी, एलसीएम आया 18। अब 9 का भाग 18 में दे दीजिए तो 9 × 2 = 18 होता है। इसका मतलब इसके ऊपर नीचे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4/3, 3 से 6 टाइम, 6/18, 18 से 18 वन टाइम डिवाइड होगा। तो देखिए, 2/9, 9 का भाग 18 में दिया तो 2 बार जाता है, उस 2 से ऊपर नीचे गुणा। धन 3 का भाग 18 में दिया, 6 बार होता है, उस 6 से ऊपर नीचे गुणा। 18 का भाग 18 में दिया, 1 बार उससे ऊपर नीचे गुणा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4/18 धन 24/18 धन 6/18। अब तीनों का एलसीएम 18 18 18 हर समान हो गया। अब आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं,
चार धन 24 धन 6, तो ये हो जाएगा 24 छः 30 34 34 बटे 18। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक रेडियो को रुपये 900 में खरीदता है और रुपये 1200 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि, खरीद कितना रहा, देखो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 900, 900 रुपये में खरीदी, और जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो बेची गई तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1200। अब कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची, तो यहाँ पे लाभ हुआ होगा, तो लाभ कितना हुआ सबसे पहले ये ज्ञात कर लो। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 1200 और क्रय मूल्य है 900, तो लाभ हो गया 300 रुपये का। लाभ कितने का हो गया, 300 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का था, लाभ था 300 रुपये का, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 900। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 300 बटे 3, तो ये हो जाएगा 300 को 9 से डिवाइड कर लो, सॉरी 300 बटे 9, यहाँ पे फिर 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 3, 300 जा 300 और 33 जा 9, तो ये आ जाएगा 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 रुपये पर 10 साल का 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए जितने रुपये हम बैंक में जमा करते हैं वो हमारा क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना है, 1800 रुपये। समय कितना है, समय है 10 साल। दर कितनी है, वार्षिक दर, वार्षिक दर जिस पे हमको ब्याज मिलता है जिस रेट पे, वो वार्षिक दर है। तो वार्षिक दर है 10%। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, तो समय बटे 100, 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पे देखिए मूलधन था 1800, 1800 रुपये, रेट दर 10%, और समय कितना था 10 साल बटे 100। तो यहाँ से जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 1800 रुपये, 1800 रुपये क्या निकला आपका, साधारण ब्याज। 14 और 77 के बीच 7 के गुणज ज्ञात किए, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, 7 का पहला मल्टीपल 7 होगा, दूसरा 14 होगा, तो ऐसे ही 7 का किसके और किसके बीच, 14 और 77 के बीच निकालना है। तो देखिए 7 का दूसरा मल्टीपल है 14, तीसरा कितना होगा 21, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां होगा 77, जो कि नहीं लेना हमको। ये 14 और 17 के बीच क्या है, 7 के गुणज, 7 के मल्टीपल हैं।